नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और कवर स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस सीरीज में बताने वाले हैं आपको पंतनगर में फूल बाग में जो तैयारियां हो रही हैं वृक्षारोपण के ऊपर उसके बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। पौध रोपण के लिए यहाँ पर गड्ढे खोद रहे हैं और यहाँ पर मेरे साथ खजान जी हैं। खजान जी हेलो बोल दीजिए। चलिए तो आपने देखा और यहाँ पर मैं कुछ और लोगों से मिलवाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं, यहाँ पर लाइन से आपको दिख रहे हैं। 6 बजे कुछ मुट्ठी भर लोग वहाँ पे शुरू हुए काम करना और वो गड्ढे बना रहे थे क्योंकि 14 और 15 तारीख को वो पौध रोपण करने वाले हैं। और लगी रहा मैं कि मैं वहाँ पहुँच गया। कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं और ग्रीन क्लीन इंडिया के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हमारे साथ अभी गायत्री परिवार के सभी परिजन जितने पंतनगर के हैं वो सब लगे हुए हैं। यहाँ इस लाल बाग के ग्राउंड में हम लोग अमलतास, गुलमोहर, नीम, जामुन और अशोक के पेड़ लगाने वाले हैं। हम आपसे सबसे अपील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस ग्राउंड पर 14 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच उपस्थित हों और अपनी भागीदारी करें। पेड़ का महत्व जानें कि किस तरह से हमारा पेड़ जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या हमें देता है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी 14 तारीख को। यशवंत जी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें ये जानकारी दी और आपके इस काम के लिए गुड लक। तो दोस्तों जाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी लोगों के नाम जान सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को कि ये जो शुरुआत पहल है इसको आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उन्हें पता चले कि पंतनगर में क्या क्या हो रहा है। छोटी सी जगह बड़े बड़े काम। भूलिए मत सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो एक पौधा आपको फ्री। वंदे मातरम।